तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 4 ताजा खबर की, और इस एपिसोड का नाम है किस्मत। और अब वस्या की किस्मत जो है वो बदलने वाली थी, और इसकी स्टार्टिंग होती है उसकी मम्मी से। उसकी मम्मी जो है उसी कांजी विला में काम करने जाती है, और वो एक मैडम से काम मांगते हैं कि मैडम मुझे काम चाहिए, क्योंकि आप काम वाली देख रहे थे। और वस्या को दिखाया जाता है बचपन में, और वो टीवी देखता है, वो देखता है इतना बड़ा घर है और मैं आज से इसी घर में रोज आऊंगा। और फिर उसकी माँ बोलती है बेटा किसी चीज को हाथ मत लगाना, और वो आंटी उसके पास आती है और कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा स्वीट है, और अब इसको स्कूल में क्यों नहीं डाल देते। उसकी माँ बोलती है अभी इसी साल निकाला है क्योंकि फीस नहीं दे पाए थे और थोड़ी तंगी चल रही थी। इसके बाद वो मैडम कहती है कि ठीक है तुम 10 दिन आओ काम करो और फिर डिसाइड करेंगे कि तुम्हें कितना पैसा देना है। अब होता ही है कहानी शिफ्ट होती है एक रेस्टोरेंट पे जो कि महबूब भाई के दुकान के बगल में है। उसमें एक शेफ है जो कि बहुत मस्त खाना बनाता है, सारे लोग खाना खा रहे होते हैं, और तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि चाइना में चमगादड़ का सूप पीने से 20 लोग हुए बीमार, और यानी कि कल बीमार होंगे, ऐसा बोलता है हमारा वस्या। वस्या ये बोल के, और उसके बाद वो बताने लग जाता है शेट्टी जो है वो सीएम बनने वाला है, और अब फिर बोलती है मधु की आज अगर उसके साथ होती तो अखे मुंबई पे राज करती। और फिर जो वस्या है वो थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन वो बोलती है कि वो प्रेसिडेंट भी होता ना तू भी मैं उसके पास नहीं जाती, मैं तो तेरी है। और फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आती है वस्या के पास कि वर्ल्ड कप होने वाला है और विश्व भर का बहुत सारी टीमें भाग लेने वाली है। अब वस्या बोलता है कि हम करेंगे बैटिंग, लेकिन महबूब भाई कहते नहीं यार बैटिंग वैटिंग नहीं करेंगे, लेकिन वो कहता है कि इसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बैटिंग अगर कर ली तो। और फिर वो लोग तैयार हो जाते हैं बैटिंग के लिए, लेकिन वो सोचते हैं कि ये बैटिंग करेंगे कहाँ, और फिर महबूब भाई बोलते हैं कि मेरा एक साला है वही ये बैटिंग करता है। और इसके बाद वो लोग स्टार्ट कर देते हैं बैट लगाना कि भाई ये टीम जीतेगी कि कौन सी टीम जीतेगी। वस्या के पास सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही आ रही होती है, और फिर ये लोग पैसों पे पैसे छाप रहे हैं, पैसों पे पैसे छाप रहे हैं, और ये लोग एक ही बैट से बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं। अब ये लोग जाते हैं एप्पल के शोरूम में, और जहाँ पे ये लोग फोन खरीदते हैं, महंगे महंगे लैपटॉप खरीदते हैं, क्योंकि अब पैसा फ्लैक्स करने की बारी है बाबू मोशाय। अब वस्या जो है मधु को लेके एक शॉपिंग करने वाली जगह पे जाता है, वो बोलता है कि चल तेरे को आज शॉपिंग कराता हूँ। और महबूब भाई की जो बेटी साजिया है वो भी फोन खरीदती है, क्योंकि उन्हें अच्छा लैपटॉप अच्छे फोन की जरूरत थी ताकि वो अच्छे से बैटिंग कर पाए। इसके बाद साजिया जो है वो फोन ले लेती है, महबूब भाई बोलते इतने फोन लेने की क्या जरूरत है इतना महंगा, और फिर ये कार शिफ्ट हो जाती है। वस्या जो है उस दुकान में एंटर करता है, तभी दुकान वाला कहता है कि सर क्या चाहिए आपको, और फिर वो कहता है कि वो बैग चाहिए, और दुकान वाला बोल देता है सर वो तो 25,000 का बैग है। इसके बाद वस्या की थोड़ी सटक जाती है, वो लोग पैसे पर पैसा कमा रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप पे पैसा लगा रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं, और वस्या जो है उसको सब पता है कि कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी, यानी कि वो अब इस चीज का भगवान बन चुका है। और अब वो दुकान वाला बोलता है कि सर ये आपके बस की बात नहीं, आप कुछ और देख लीजिए। फिर वस्या को गुस्सा आ जाता है, और वो दुकान के गार्ड को बुलाता है और कहता है कि बता इनमें से कौन सी चीज पसंद है तुझे। वो गार्ड कहता है कि सर मुझे ये वाला चाहिए, और फिर वस्या बोलता है कि इसके लिए भी बांध दे, और दुकानदार कहता है सर ये 30,000 है ये इसको मत दिलाओ, और वस्या जो है उसके मुंह पे 30,000 रुपए मारता है और बोलता है कि ले ले बेटा ले ले, और बोलता है कि जा तू अपने सारे दोस्तों को बुला के ला जितने भी ये मॉल में काम करते हैं। वो गार्ड जाता है और अब सारे दोस्तों को बुला लेता है, वस्या उन सबके लिए कुछ ना कुछ खरीद देता है और पूरी दुकान खाली कर देता है। और फिर उसके बाद वो दुकानदार उसके पास आता है और कहता है सर एक जैकेट बचा है बस, पूरी दुकान तो आप ले गए। लेकिन फिर वस्या बोलता है कि अबे ओ भाई वो मेरे लिए है, ला वो जैकेट मुझे दे। और इसके बाद ये लोग पैसा पैसा कर करके उस मॉल से निकलते हैं एकदम सेट होके, भाई मामला सेट है, अब वस्या धड़ाधड़ पैसे कमाए जा रहा है बैटिंग के तौर पे। इसके बाद इसकी जो जिंदगी है वो भाई रंगीन हो गई थी। अब वो जाता है शेट्टी के पास, शेट्टी जो है बहुत गुस्से में है क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो चली गई है वस्या के साथ, और फिर वहां की मालकिन आती है और कहती है कि उसको जो कुछ भी आता था सब कुछ मैंने सिखाया। और फिर ये कहानी स्विच हो जाती है 1 वीक लेटर, यानी कि वो लोग एक बड़े से होटल में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, और फिर आता है उसका दोस्त पीटर एक बाल्टी लेके, और मधु पूछते तू कहाँ गया था। उसके बाद वो कहता है यार ये यहाँ के वॉशरूम्स ना मुझे समझ में नहीं आते, मैं होटल के बाहर वाला वो शौचालय था ना उसमें गया था पॉटी करने। और फिर वस्या के पास एक मैसेज आता है कि मुंबई में प्रॉपर्टी के जो रेट्स है वो गिरने वाले हैं, और पीटर बोलता है कि कब तक हम होटल में जिंदगी गुजारेंगे, चलो अब अपना घर लेते हैं। वस्या ने अपनी माँ को बोला होता है कि मैं एक दिन बिली मोरिया का घर खरीद लूंगा, और वो आ जाता है बिली मोरिया के घर, और फिर वो मधु को लेके आता है, मधु बोलती है ये तो बहुत बढ़िया घर है, और फिर वो बोलता है हाँ हाँ मस्त घर है। मधु बोलती है इतना बड़ा घर तुम्हारी माँ कैसे संभालती होंगी। वस्या बोलता है कि यार उसने मेरे पापा को संभाल लिया, इससे बड़ी बात क्या है। फिर बिली मोरिया जो है वो आ जाता है और कहता है कि क्यों आए हो यहाँ पे, और वस्या बोलता है कि मुझे ये तेरा घर खरीदना है, ये ले पैसे। वो बैग भर के पैसे लाया होता है कि ये ले पैसे और ये घर मेरे नाम कर दे। अब बिली मोरिया जो है वो कहता है अच्छा ठीक है तू यहाँ से पैसे लेके निकल, मैं मर भी जाऊंगा ना तो भी ये घर तेरे नाम नहीं करूंगा, ये मेरी पत्नी का घर है और ये मेरा घर है, तू अपने
अपने पैसे मत दिखा मेरे को, निकल यहाँ से। वो बोलता है कि तेरे को क्या चाहिए, तेरे को कितना पैसा चाहिए बोल, इससे भी ज्यादा पैसा दूंगा तेरे को। लेकिन बिली मोरिया कहता है तू यहाँ से निकलेगा या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं, जा यहाँ से निकल फटाफट से। और वस्या को वो धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। और फिर वसंत जो है वो बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाता है कि इतने पैसे चाहिए, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ दे सकता हूँ इसको, लेकिन ये घर छोड़ने में क्यों इतना नाटक कर रहा है। और फिर मधु बोलते हैं कि तू आई को कोई से भी घर में रखेगा ना तो वो खुश रहेगी। और वसंत जो है बाहर आके टैक्सी टैक्सी चलाने लग जाता है और कहता है कि टैक्सी टैक्सी, लेकिन कोई भी टैक्सी वाला नहीं रुक रहा होता है। और फिर वसंत को गुस्सा आता है और बोलता है भाड़ में गई टैक्सी, अब मुझे गाड़ी चाहिए। मधु बोलती है हाँ हाँ ठीक है गाड़ी खरीद लेंगे, लेकिन वसंत बोलता है मुझे गाड़ी चाहिए अभी के अभी गाड़ी चाहिए। और फिर वसंत जो है वो जाता है गाड़ी खरीदने, और फिर उसके पास नोटिफिकेशन आ रहा होता है, वो पैसे जीत रहा होता है। और वो शोरूम के मालिक को कहता है कि मुझे अब 50 वाली गाड़ी नहीं, मुझे एक वाली गाड़ी चाहिए। और फिर वसंत के पास एक और नोटिफिकेशन आता है और वो कहता है इससे भी महंगी दिखा। तभी उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो बोलती है डन डन, इस गाड़ी को हम डन करते हैं। और वसंत जो है चमचमाती एक मर्सिडीज खरीद देता है। वस्या जब उस मर्सिडीज से जा रहा होता है तभी एक सिग्नल पे उसकी कार रुकती है और वहां शेट्टी उसको देख लेता है कि वो मधु के साथ बैठा है। तब वस्या जो है अपने होटल में आ जाता है और फिर वो कहता है साजय से कि क्या बात है बहुत खुश लग रही है। साजय कहती है मैं अमेरिका जाने का फॉर्म भर रही हूँ। महबूब भाई बोलते हैं कि तू कहीं नहीं जाएगी, तू यही देख ले कोई अच्छा सा कॉलेज। लेकिन साजय बोलती है प्लीज पापा जाने दो। और फिर वसंत बोलता है कि देखो आप अपने बच्चों को मत रोको क्योंकि बच्चे अब उड़ना चाहते हैं और मेरी तरह सबके पास वरदान नहीं होता ना। और फिर मधु देखती है कि ये क्या बोल रहा है। और उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि टायर फैक्ट्री में आग लगी है, 9 लोग घायल हुए हैं। और महबूब भाई बोलते हैं तो चल सबसे पहले उनको जाके बता देते हैं वरना उस फैक्ट्री में आग लग जाएगी और मैं फायर ब्रिगेड को पहले फोन कर देता हूँ। वस्या बोलता है कि ये अपना काम नहीं है महबूब भाई, अपन अपने में ध्यान देते हैं ठीक है। इसके बाद ये कहानी जाती है पीटर के ऊपर। पीटर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और कहता है कि मेरे को पता है तू रशियन नहीं है, चल अपना ये जो टोपी है वो उतार दे। और फिर उसकी गर्लफ्रेंड और वो बातें करने लग जाते हैं। वस्या जो है उसी गाड़ी से अपने चौल में आता है अपने मम्मी पापा के पास और देखता है कि उसके पापा पूरी तरह जले हुए हैं। उसकी माँ बोलती है कितने दिन से तू आया क्यों नहीं, देख तेरे पापा जिस टायर फैक्ट्री में काम करते थे वो जल गई है। और वस्या बोलता है काश मैंने इसे बता दिया होता और मेरे पापा जलते नहीं। उसका बाप बोलता है कि तू यहां से चला जा, तेरे से बदबू आ रही है पैसों की और तू बहुत ज्यादा घमंड में जी रहा है। और फिर वस्या जो है वो बोलता है कि आप मेरे से जलते हो और ये बोल के चला जाता है। वस्या जो है अपनी कार में बैठ के बहुत चिल्लाता है और इसके बाद ये कार शिफ्ट हो जाती है मधु पे। मधु जो है अपने सारे दोस्तों को मशीन देती है और कपड़े देती है ताकि वो चालू कर सके मधु क्रिएशन। उसका एक सपना है कि मैं बहुत बड़ी कंपनी खोलूं जिसमें बने फैब्रिक्स और वो फैब्रिक्स बेच के मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊं। लेकिन अब ये जो सपना था अब वो पूरा होने वाला था क्योंकि वस्या के पास अब बहुत ज्यादा पैसे हैं। वो सबके लिए गिफ्ट्स लाती है और जो मालकिन रहती है वहां की उसके लिए भी एक फोन लेके आती है ताकि उसको वो फोन गिफ्ट कर सके। वो कहती है कि तू सबको गिफ्ट दे रही है, मशीन बांट रही है, कपड़े बांट रही है, क्या लॉटरी लगी है क्या तेरी। वस्या वहां जाता है और कहता है कि उसकी नहीं मेरी लॉटरी लगी है। और फिर वो मालकिन कहती है मैं जानती हूँ तू बैटिंग बहुत ज्यादा करता है, चल मैं तेरे को एक बहुत बड़ी टेबल दिखाती हूँ जहां पे ये छोटी मोटी बैटिंग नहीं होती, बहुत बड़ी बैटिंग होती है। और इसके बाद दिखाया जाता है मेन बंदे को जो बैटिंग का राजा है और वो मिलता है वस्या से और कहता है कि तू वरदान भाई है ना, मैं सब जानता हूँ, वो टेबल नंबर 4 पे जो बैठा है ना वही तेरी बैटिंग लेता है। और इसके बाद नोटिफिकेशन आती है वस्या के पास कि कल ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। वो ऑस्ट्रेलिया पे 50 लाख रुपए लगाने की बात करता है लेकिन वो जो इंसान रहता है वो वस्या को पटा लेता है और कहता है कि तू 50 लाख नहीं तू 1 करोड़ लगा, देखते हैं जीतती है नहीं जीतती। और फिर ऑस्ट्रेलिया जो है जीत जाती है और इसके बाद जो वरदान है उसके जो पैसे हैं वो डबल हो जाते हैं। अब ये जो बात है वो वहाँ की मालकिन शेट्टी को बता देती है ताकि शेट्टी जो है वस्या के पास पुलिस भेज सके। वस्या जो है मधु के साथ बैठा रहता है, उससे बातें करता रहता है और कहता है कि मुझे लगता है मैं भगवान हूँ क्योंकि भगवान को सब कुछ पता होता है और मुझे भी पहले सब कुछ पता होता है। और तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है लेकिन उस नोटिफिकेशन को वो अनदेखा कर देता है। और फिर उसके घर की एक घंटी बजती है, जब उसके घर की वो घंटी बजती है तब वो जैसे ही गेट खोलता है देखता है कि पुलिस है उसके गेट के सामने आ गई और कहती है कि वसंत गावड़े नाम है तेरा। और पुलिस जो है वरदान को पकड़ के ले जाती है जेल में। और ये जो 4th एपिसोड है यही खत्म हो जाता है। 5th एपिसोड के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, इसके लिए करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को करना पड़ेगा लाइक और कमेंट कर दो कि कैसा लग रहा है आपको ताजा खबर की स्टोरी। तब तक के लिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू।